विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी एवं जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री शुक्रवार को बक्शी बांध पहुंचकर वहां से नाव द्वारा बघाड़ा सलोरी सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बाढ़ राहत पैकेट, पीने के पानी, केला, बिस्किट भी वितरित किए। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वहां रह रहे लोगों को बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में प्रवासित होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत केंद्रों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना, नाश्ता, पानी, प्रकाश, दवाएं सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। अभी और पानी बढ़ने की संभावना है, इसलिए जो लोग बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं वे सुरक्षित बाढ़ राहत केंद्रों में चले जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम निरंतर बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करके बाढ़ राहत केंद्रों में पहुंचाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि जल पुलिस तथा सामान्य पुलिस भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर निगरानी रख रही है। प्रयागराज में गंगा नदी का स्तर खतरे के लेवल से ऊपर है और ये आगे भी 3 दिन तक पानी बढ़ने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने हमारे बाढ़ शरणालयों को क्रियाशील कर दिया है और हमारे 14 बाढ़ शरणालय अभी बिल्कुल पूरे तरीके से क्रियाशील है, जहां पर लगभग 2700 लोग अभी रह रहे हैं और हमने हमारे बाढ़ शरणालयों में हर तरह की सुविधा भी दे रखी है। इसके अलावा जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, आज हमने विधायक जी के साथ वहाँ हर जगह का दौरा किया है, तो बाढ़ में जो फंसे लोग हैं हम लोगों ने उनको राहत सामग्री भी दिया है और उनको आगाह भी किया कि ये भी पानी आगे बढ़ेगा और उनको सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ जाने के लिए भी कहा है। हमारी एनडीआरएफ की काफ़ी बड़ी टीम इस पे लगी है, जिसमें 30 से ज़्यादा हमारे जवान और ऑफिसर्स हैं और काफ़ी बड़ी संख्या हमारे पास नाव भी हैं। जल पुलिस की हमारी पूरी टीम है, तो हम बड़ी मुस्तैदी के साथ जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोग हैं उनको रेस्क्यू करने में भी लगे हैं। आज 26 लोगों को जो कि बाढ़ के पानी से घिर चुके थे उनको रेस्क्यू भी किया गया है। करेली या भरतनगर किसी जगह कैसी थी बता सकते? हर जगह हमारी पूरी नज़र है, हर जगह हमारी अपनी टीम लगी हुई है, नावें लगी हुई है। जैसी स्थिति बनेगी और पानी जिन घरों की तरफ आएगा तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालय की तरफ ले आएंगे। थैंक यू। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी बाढ़ प्रभावित लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाढ़ का पानी आने से पूर्व भी बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में विस्थापित हो जाएं, जिससे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा लेते रहने तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने नाव, दवाइयां, राशन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं निरंतर सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। करना पड़ रहा है लोगों को देने में, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि संजय